हेलो दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है, जो कि 9 मार्च 2018 का करंट है। ये यूपीएससी से लेकर सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम तथा एसएससी वे बैंकिंग एग्ज़ाम के करंट को डेली अपडेट करती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के करंट में, हमारे पास किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। नेशनल लेवल पर आज के करंट में क्या क्या है, तो इसमें 4 आपके पास खबर है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं विशेष व्यक्ति की, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, और खेल जगत से भी 1 क्वेश्चन बनता है। देखते हैं सामान्य ज्ञान, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है वन लाइनर में, और देखते हैं इन क्वेश्चन का प्रारूप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले हॉट क्वेश्चन, जो कि आज की करंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कि 9 मार्च का, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने फसल अवशेष के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी को प्रोत्साहित को मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है वो कौन सा स्टेट एंड कौन सी राजधानी है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन चारों में से कौन सा हो सकता है आपका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें उपयुक्त सभी हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मतलब कि सभी आंसर हैं। क्यों हैं देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन को अपनी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय निधियों के लिए कुल खर्चा 1,151.80 करोड़ रुपए होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या, उपयुक्त सभी, मतलब जिसमें पंजाब भी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मतलब कि ये चारों हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीआर के आसपास कितना प्रदूषण है, और ये होना ज़रूरी है ताकि इसके अवशेष को, मतलब कि जलाया ना जाए और उसको कृषि में ही उपयोग कर लिया जाए। तो ये इसका आंसर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मतलब कि ये चारों होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए दोस्तों, बात क्या कर रहे हैं हम, प्रवासन और गतिशीलता के बारे में। ठीक है, प्रवासन आप जानते हैं कि एक आदमी यहाँ पर रह रहा है, इस सिटी में, यहाँ पर इसे रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ये रोज़गार के लिए क्या करता है, ये दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में चला जाता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रवासन या गतिशीलता। तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किसने किए हैं, रूस, फ्रांस, जापान या चेन्नई। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2018 को भारत और फ्रांस के बीच, देखिए फ्रांस, बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच कुछ प्रमुख समझौते ज्ञापनों को मंजूरी दी है। इसमें प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक मैप में फ्रांस की लोकेशन क्या है, ताकि हमारा वर्ल्ड मैप भी हो सके कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ है। दोस्तों, ये यूरोप का पूरा पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंतर्गत क्या आता है, फ्रांस आता है, जो अफ्रीका के जस्ट यहाँ ऊपर है। तो चलिए और इसके इमेज देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये सेकंड इमेज है, आप देख सकते हैं कहाँ क्या है। तो दोस्तों, ये जो ब्लू कलर में है सारा, ये एशिया है। ये जो आप देख सकते हैं वर्जिन कलर में, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये साउथ अमेरिका जो येलो कलर में है, नॉर्थ अमेरिका जो ग्रीन कलर में है, यूरोप जितना ये ऑरेंज कलर में है। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, फ्रांस है, फ्रांस की अवस्थिति है। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारे महाद्वीप बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास फ्रांस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वर्ल्ड मैप, मतलब ज्योग्राफी में। तो दोस्तों, आपके सामने ये, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ फ्रांस की अवस्थिति ये है। तो फ्रांस को हम देखते हैं, क्या ये एक लैंड लॉक कंट्री है, जी नहीं, ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ ये समुद्र के पास है, एटलांटिक सागर, और एटलांटिक सागर में ये आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी अवस्थिति। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन यहाँ हो गया, वेव ऑफ विस्की। तो
तो वे ओ विस्की कहाँ पर है, फ्रांस की तरफ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इंग्लिश चैनल जो है वो किन किन के बीच में है, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पेरिस जो कि मतलब फ्रांस के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम इसके पड़ोसी देश की, तो देखिए कौन कौन सा है इसका। नंबर वन स्विट्ज़रलैंड, नंबर दूसरा है जर्मनी, नंबर तीसरा है बेल्जियम। तो आप देख सकते हैं ये किन किन से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे पास और इसका खुल के इमेज है, हम देख लेते हैं कि फ्रांस जो है वो किन किन कंट्रीज से, किन किन देशों से मतलब घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर वन पे स्पेन, नंबर वन स्पेन, नंबर दो इटली, हम इधर से चल रहे हैं ठीक है, नंबर वन स्पेन, नंबर दो इटली, नंबर तीन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद बेल्जियम। तो देखिए कितने कितने कंट्री हुए, 1 2 3 4 5, तो ये पांच कंट्रियों से घिरा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेन से फ्रांस जो है ये जुड़ा हुआ है, उसके बाद देखते हैं हम इटली जो यहाँ पर है, इटली के बाद स्विट्ज़रलैंड से ये जुड़ा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद बेल्जियम। तो बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन, हम देख रहे हैं कि जो मतलब ये है फ्रांस है, इसकी राजधानी क्या है, पेरिस। तो पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। इंग्लिश चैनल के बारे में बात करें तो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और किसके बीच है, फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल पाया जाता है। वे ऑफ वेसिकी कहाँ पर पाई जाती है, वे ऑफ वेसिकी पाई जाती है फ्रांस में, और मेडिटेरियन सी और वे ऑफ वेस्की और एटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है कौन, फ्रांस। तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ कौन है, फ्रांस। तो आप ये कर सकते हैं, देखिए मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछ ही लिए ही जाते हैं कि जैसे फ्रांस है तो इंग्लिश चैनल जो है वो किन किन के बीच में है, तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको ये कम्प्लीट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, फ्रांस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिमंडल ने स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना को कितने वर्ष जारी रखने की मंजूरी दी है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 7, 5, 3 या 8 ईयर। तो देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखिए किसे मंजूरी दी है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो चुकी है। इस योजना को मंजूरी मिलने से सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता सेनानियों को उनके योगदान के लिए मानसिक सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, 3 वर्ष की अवधि तक के लिए ये किया गया है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और किस देश के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, तो देखिए किसके बीच हुई है, ये मॉरिशस, जिम्बाब्वे, जामिया या मालवी। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, क्या आंसर इसका हो सकता है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशियस, देखिए किसके बीच, मॉरिशियस और संघ लोक सेवा आयोग के बीच, उनके लोक सेवा आयोग के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। समझौते ज्ञापन से संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशियस के लोक सेवा आयोग के बीच मौजूदा रिश्तों को मजबूती मिलेगी। इससे भर्ती क्षेत्र में दोनों पक्ष के अनुभवों और विशेषज्ञताओं के आदान प्रदान में सुविधा होगी। तो आपका आंसर क्या है, मॉरिशियस। जल्दी से दोस्तों अपनी आईज क्लोज कीजिए और देखिए कि मॉरिशियस वर्ल्ड मैप में कहाँ है, अगर नहीं याद आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं एक इमेज के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में इसकी इमेज कहाँ पर है, कहाँ ये लोकेटेड है मॉरिशियस, तो आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन में ही ये आता है, और कहाँ पर है, ये मेडागास्कर के साइड में है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी और इमेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में क्या मतलब कि जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन मतलब कि कर्क रेखा क्या मॉरिशियस से होकर गुजरती है, नहीं दोस्तों उसके नीचे से होकर ये गुजर जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ ये एक मॉरिशियस है, मॉरिशियस क्या है, एक तरह का द्वीप ही समझ लीजिए, जो कहाँ आ रहा है, हमारे इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों आप देख चुके हैं किस किस के बीच हुआ है, ये मॉरिशियस और भारत के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से सरकार ने किन केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिकाओं के लिए संशोधित नियमों को लागू करने की मंजूरी दी है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, चंडीगढ़, दामन और दीव, दादरा और नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। केंद्र सरकार ने तीन केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नगर पालिकाओं के लिए नियमों को निम्नलिखित संशोधनों की मंजूरी दे दी है। दमन ओबर एवं दीप नगर पालिका नियम 2018, दादर एवं नागर हवेली नगर पालिका परिषद संशोधन नियम 2018 और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह नगर पालिका संशोधन 2018। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि किसको नहीं दी है, तो वो चंडीगढ़ को नहीं दी है। और किस किस को दी गई है, इन तीनों राजधानियों को दे दी गई है, दमन एवं द्वीप, दादर और नागर हवेली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। चलिए डायरेक्ट आंसर बता दिया जाता है, नेफ्यू रियो। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेट्स रिकैप। बढ़ते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, 2020 तक। किस अवसर पर नीति आयोग महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कर रहा है, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इसके बाद है महिला कन्वेक्शन जिसे स्वच्छ शक्ति 2018 नाम दिया गया है, किस शहर में आयोजित की गई है, लखनऊ में की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का 29वां संस्करण किस शहर में हुआ है, तो वो है उत्तराखंड। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और किस देश के लोक सेवा आयोग के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है मॉरिशियस। भारत और किन देशों ने नशीले पदार्थ, मादक द्रव्य और उनके रासायनिक यौगिकों की तस्करी संबंधित अपराध में कमी लाने और अवैधानिक उपयोग को रोकने के लिए समझौता किया है, फ्रांस के साथ ही किया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विशेष व्यक्तियों के बारे में, व्योवृद्ध नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो वो है नागालैंड। ईडी में नए विशेष निर्देश नियुक्त किए गए हैं, तो वो है विवेक आर वाडेकर। अगला क्वेश्चन लास्ट खेल जगत से, किन्हें इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो वो है गौतम गंभीर। चलिए बात करते हैं स्टैटिक्स जी के, मतलब सामान्य ज्ञान की, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक मतलब कि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है लंदन। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिए पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की थी, तो वह सन 1959 में, 1969 में। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हमने रिकैप भी कर लिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन और नए अपडेट के साथ। ओके थैंक्स।